बोला कि तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। ओ तुम अपना दामन अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जो मोमिन पढ़ता है वो यकीनन बार बार खुदाबंदी में कबूल होता है और मेरे आका उसको कबूल करते हैं। तो नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई गुलाम मुझ पर सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं डायरेक्ट सुनता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ। तो हमें नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और नबी से किस तरह से मांगना चाहिए मैं शेर के अंदर मांगने का अंदाज प्राप्त करेगा बता रहा हूँ किस तरह से हमको नबी से मांगना चाहिए। और बोले या रसूल अल्लाह शेर कहे करे तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। और रसूल अकरम के आसिताने से मांगने का उसूल ये है
वो बारगाह है, वहां से हम नहीं मांगते बल्कि वहां से बली भी मांगते हैं और हजरत अली भी मांगते हैं। वापस बोले सुभानअल्लाह और बोले या रसूलअल्लाह कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक बली ने मांगा, और जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक बली ने